स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजकुमारी सुमन लता महाराज पृथ्वी सेन की इकलौती संतान थी। राजकुमारी की माँ की मृत्यु उसके जन्म के साथ ही हो चुकी थी। राजकुमारी सुमन लता को घुड़सवारी का बहुत ही शौक था। उसके पास एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसका नाम था बादल। राजकुमारी को शिकार का भी बहुत शौक था। वो अक्सर कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए जाया करती थी। इसके साथ ही राजकुमारी तीरंदाजी करने में भी बहुत ही माहिर थी और वो एक बहुत ही अच्छी तलवारबाज भी थी। एक दिन की बात है, वो अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गई। अभी शिकार करते हुए कुछ ही देर बीती थी कि अचानक काली घटाएं छाने लगी जिसके कारण जंगल में अंधेरा हो गया और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने तूफान का रूप ले लिया। इसी दौरान राजकुमारी के घोड़े बादल को ठोकर लगी जिसकी वजह से राजकुमारी जमीन पर आ गिरी। उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया जिसके कारण राजकुमारी बेहोश हो गई। इसी दौरान सिपाही भी राजकुमारी से अलग हो चुके थे। दूसरी तरफ महल में महाराज पृथ्वी सेन अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित थे और कहने लगे, ना जाने इस समय हमारी बेटी किस हालत में होगी। उनके महामंत्री ने कहा, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, राजकुमारी के साथ हमारे सैनिकों का एक दस्ता भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक होंगी। महाराज ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि राजकुमारी पर जरूर कोई मुसीबत आ पड़ी है। महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी। महामंत्री ने कहा, महाराज मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ लेकिन इस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसी दौरान एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज ने पूछा, क्या बात है सैनिक, तुम इतने बदहवास क्यों नजर आते हो। सैनिक कहने लगा, महाराज गजब हो गया, राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनकर महाराज और महामंत्री हक्का बक्का रह गए। उधर राजकुमारी सुमन लता को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में पाया। नजदीक ही उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। राजकुमारी ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम। लड़की ने कहा, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप कौन हैं। राजकुमारी कहने लगी, मैं कौन हूं लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। राजकुमारी बहुत ही हैरान और परेशान नजर आ रही थी। लड़की ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। नाम मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। यह कहते हुए राजकुमारी ने अपना सिर पकड़ लिया। तब वह लड़की अपने आप से ही कहने लगी, मुझे तो लगता है कि ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। भैया बता रहे थे कि ये लड़की उन्हें पत्थर के ऊपर गिरी हुई मिली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति उस झोपड़ी के अंदर आया। वह उस लड़की का भाई सुजान था। उसने लड़की से पूछा, बहन क्या लड़की को होश आ गया, कुछ मालूम हुआ कि ये कौन है। लड़की ने कहा, नहीं भैया ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसे तो अपना नाम भी याद नहीं। सुजान बोला, ओह फिर तो बड़ी ही मुश्किल हो गई, हम किस तरह से इसे इसके घर पहुंचाएंगे। वैसे कपड़ों से तो ये किसी अमीर घराने की लगती है। जब मैंने इसे जंगल में पड़े देखा था तो नजदीक ही एक घोड़े के पैरों के निशान थे, शायद वो घोड़ा इसी का होगा। इसी दौरान बाहर से किसी की आवाज आई। सुजान ने जब बाहर जाकर देखा तो वहां पर उसका दोस्त दिलावर खड़ा था। सुजान ने पूछा, क्या हुआ दिलावर, सब ठीक तो है, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। दिलावर सुजान के नजदीक आया और उसके कान में कुछ बताने लगा। उसकी बात सुनकर सुजान की आंखें हैरत से फट गई। उसे ये खबर मिली थी कि विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और महाराज पृथ्वी सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस राज्य पर विद्रोहियों का कब्जा है और इन विद्रोहियों के सरगना का नाम मदन था। उधर राजमहल में मदन राज सिंहासन पर जा बैठा और महाराज को उसके सामने बंदी बनाकर पेश किया गया। महाराज ये देखकर हैरान रह गए
कि इनका महामंत्री भी मदन के पास ही बैठा हुआ था। महाराज ने जब ये देखा तो बोले, अच्छा तो तुम हो वो आस्तीन के सांप जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। महामंत्री ने कहा, हाँ मैं ही हूँ वो। मेरी सालों की कोशिशों के बाद आज मैं कामयाब हुआ हूँ। अब मैं और मदन दोनों मिलकर इस राज्य पर अपना राज चलाएंगे। महाराज ने कहा, महामंत्री लालच ने तो बड़ों बड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये बात हमेशा याद रखना कि गद्दार की जिंदगी बहुत छोटी होती है। महामंत्री ने कहा, महाराज फिलहाल तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। वो सैनिकों से कहने लगा, सिपाहियों ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। महाराज खुद ही कारागार में जाने के लिए मुड़ गए। महामंत्री और मदन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ दिलावर ने सारी बात सुजान को बता दी कि मदन ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और इसके पीछे महामंत्री का हाथ है। और एक खबर ये भी है कि महाराज की बेटी सुमनलता लापता है। मदन ने ये ऐलान किया है कि जो भी कोई राजकुमारी को उसके हवाले करेगा या उसकी कोई खबर लाएगा उसे अशर्फियों से मालामाल कर दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद दिलावर चला गया जबकि सुजान एक गहरी सोच में डूब गया। दूसरे दिन सुजान की बहन ने सुजान से कहा, भैया क्यों ना हम इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले चलें, शायद वो हमारी कुछ सहायता कर सकें। सुजान बोला, ठीक है हम अभी इसे लेकर पुरोहित जी के पास चलते हैं। इसके बाद सुजान उसकी बहन और राजकुमारी तीनों पुरोहित जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने पुरोहित जी को सारी बात बताई। पुरोहित जी ने जब राजकुमारी की तरफ देखा तो अचानक उनकी नजर राजकुमारी के गले में पहनी हुई माला पर जा टिकी। वो कहने लगे, ये माला तो राजकुमारी सुमनलता की है, ये इसके गले में कैसे आ गई? सुजान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी कहने लगे, जब राजकुमारी सिर्फ 12 साल की थी तब महाराज ने महल में एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया था और मैं भी उस अनुष्ठान में शामिल हुआ था। अनुष्ठान के बाद मैंने ही मोतियों की ये माला राजकुमारी के गले में पहनाई थी और ये वही माला है जो इस लड़की के गले में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की राजकुमारी सुमनलता है। पुरोहित जी की बातें सुनकर दोनों भाई बहन हक्का बक्का रह गए। इसके बाद वे तीनों वापिस सुजान के घर में आ गए जहाँ पर सुजान ने दिलावर को सारी बात बताई। दिलावर ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब सुजान ये लड़की ही राजकुमारी है? हाँ मेरे दोस्त, लेकिन हम इसे राजमहल में नहीं भेज सकते, वहां पर इसकी जान को खतरा है। दिलावर ने कहा, हाँ सुजान तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम इस लड़की को मदन के हवाले कर दें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम मालामाल हो जाएंगे। ये कहते हुए दिलावर के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। तब सुजान ने कहा, नहीं दिलावर, इस समय राजकुमारी हमारी शरण में आई हुई है और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं राजकुमारी को उन जालिमों के हवाले कर दूं। दिलावर ने कहा, एक बार फिर सोच लो सुजान, इसे मदन के हवाले करके हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। ये कहकर दिलावर वहां से चला गया जबकि सुजान किसी गहरी सोच में पड़ गया। इधर दिलावर के दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ तो उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ बेशुमार दौलत। इन दोनों में से उसे कोई एक चीज चुननी थी। आखिरकार उसने एक फैसला किया। अब उसके कदम राजमहल की तरफ पड़ने लगे थे। जब वह राजमहल में पहुंचा तो सिपाहियों ने नए राजा मदन को इसकी सूचना दी कि महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है और वो कहता है कि राजकुमारी कुसुमलता के बारे में उसके पास जानकारी है। मदन ये सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, जल्दी से उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में दिलावर मदन के सामने खड़ा था। मदन ने कहा, कहो अजनबी राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? उस खबर के बदले में हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। दिलावर ने उस विद्रोही मदन को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद मदन कहने लगा, ओहो तो इसका मतलब राजकुमारी की याददाश्त भी जा चुकी है, चलो यह तो और भी अच्छा हुआ। और फिर मदन ने सिपाहियों का एक दस्ता दिलावर के साथ भेज दिया।
कि वह राजकुमारी को पकड़कर महल में ला सके। दूसरी तरफ सुजान किसी काम से जा रहा था कि उसका एक दोस्त उसे रास्ते में मिल गया। हालचाल पूछने के बाद उसके दोस्त ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले दिलावर को देखा था, वो बहुत ही जल्दी में था और वह राजमहल की दिशा में जा रहा था। मैंने उसे आवाज देनी चाही लेकिन उसने अनसुना कर दिया। ये बात सुनी तो सुजान को एक झटका सा लगा। उसने फौरन अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि उसका दोस्त उसे हैरानी से देखता ही रह गया। सुजान हाफता कांपता अपने घर पर जा पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप बड़े परेशान दिखाई देते हैं। सुजान ने कहा, गजब हो गया बहन, दिलावर ने हमारे साथ धोखा किया है। वह राजकुमारी की खबर देने के लिए राजमहल में चला गया है। हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को यहाँ से लेकर निकलना होगा। ये सुनकर उसकी बहन के भी होश उड़ गए। वो कहने लगी, लेकिन हम उसे लेकर जाएंगे कहाँ। सुजान ने कहा, वह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और फिर वे दोनों राजकुमारी को लेकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। इधर जब दिलावर सिपाहियों के दस्ते के साथ सुजान के घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो चकरा गया। सोचने लगा, यहाँ तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। सिपाहियों ने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन राजकुमारी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारे आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वे जाएंगे कहाँ। दिलावर सिपाहियों को लेकर जब झोपड़ी से बाहर आया तो उसने आसपास पता किया, लेकिन उन लोगों का कहीं पर भी कुछ पता ना लगा। तब दिलावर और सिपाहियों ने जंगल में उन्हें खोजने का फैसला किया। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें ना तो सुजान मिला और ना ही राजकुमारी। वे लोग महल में वापस आ गए। मदन को जब ये पता चला कि ना तो राजकुमारी मिली और ना ही सुजान, तो उसने गलत खबर देने के अपराध में दिलावर को कारागार में डाल दिया। इधर सुजान एक नदी को पार करके दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। ये एक जंगल का इलाका था। वहां पर बहुत से तंबू लगे हुए थे। इसके आसपास कई सिपाही पहरा दे रहे थे। असल में ये उस राज्य के राजा का खेमा था जो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था। सुजान अपनी बहन और राजकुमारी को लेकर उनके पास आ गया। सिपाही उन तीनों को लेकर अपने राजा के पास गए। असल बात ये थी कि ये राजा उनके पड़ोसी राज्य का राजा था और महाराज पृथ्वीसेन का बहुत ही अच्छा मित्र भी था। उसे जब पता चला कि महाराज पृथ्वीसेन को विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके राजमहल पर कब्जा कर लिया है, तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम पृथ्वीसेन की बेटी हो, मतलब तुम मेरी बेटी हो। महाराज पृथ्वीसेन के साथ हमारे राज्य के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और जहाँ तक उस विद्रोही मदन की बात है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक मक्कार आदमी है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हम लोग सभी मिलकर कल मेरे महल में वापस जाएंगे और फिर किस प्रकार से महाराज पृथ्वीसेन को मदन की कैद से छुड़वाना है, इस बात की योजना वहीं पर बनाई जाएगी। जब वे लोग बातें कर रहे थे तो राजकुमारी कुसुमलता ने कुछ सिपाहियों को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा तो अचानक उसने भी एक तलवार उठा ली और सिपाहियों के साथ तलवारबाजी करने लगी। ये देखकर सुजान और उसकी बहन चौंक गए। तभी वहां पर खड़ा एक घोड़ा राजकुमारी को देखकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। असल में ये राजकुमारी का घोड़ा बादल ही था जो जंगल में खो गया था। जब राजकुमारी ने घोड़े को देखा तो वह भी दौड़कर उसके पास आई और बादल बादल कहती हुई घोड़े से लिपट गई। राजकुमारी की याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। एक सैनिक ने बताया कि उन्हें यह घोड़ा जंगल में घूमता हुआ मिला था, जिसे वो लोग पकड़कर अपने साथ ले आए। राजकुमारी की याददाश्त वापस आ जाने पर सुजान, उसकी बहन और पड़ोसी राज्य के राजा बहुत ही खुश हुए। अगले दिन वे सभी लोग पड़ोसी राजा के महल में पहुंचे, जहां पर उस राजा ने राजकुमारी और सुजान के साथ मिलकर राजकुमारी के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई ताकि विद्रोहियों को राजमहल से खदेड़ा जा सके। और फिर ऐसा हुआ भी। पड़ोसी मित्र राज्य के राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमारी और सुजान के हवाले कर दी।
राजकुमारी की अगुवाई में सेना ने राजमहल पर हमला कर दिया। विशाल सेना के सामने विद्रोहियों के पांव उखड़ गए और विद्रोही मदन और गद्दार महामंत्री को बंधक बना लिया गया। इसके बाद मदन और महामंत्री को देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। जबकि कारागार से बाहर आकर महाराज पृथ्वी सेन ने अपनी बेटी और सुजान का बहुत ही धन्यवाद किया, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही एक बार फिर वह राजा बन सके थे। महाराज ने जब ये देखा कि उनकी बेटी और सुजान आपस में काफ़ी घुल मिल चुके हैं, तो उन्होंने सुजान के सामने राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को भी इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी और सुजान का विवाह कर दिया गया और वे लोग एक सुखमय जिंदगी बिताने लगे। पड़ोसी मित्र राज्य से आई हुई सेना को अगले एक हफ्ते तक मेहमान के रूप में रखा गया और उसके बाद वो सेना अपने राज्य वापस लौट गई। तो दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।